हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है अगस्त का पहला दिन, यानी कि 1 अगस्त, और दिन है मंडे का। तो चलिए चलते हैं आज एक नया वीडियो बनाने के लिए और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी घर से निकली हूँ और बारिश होने वाली हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ होगी सामने मौसम देख के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मौसम। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कुमाऊँ की जो रामलीला है वो बड़ी ऐतिहासिक रामलीला है, बड़ी पुरानी रामलीला है और बड़ी ही अनोखे अंदाज में यहाँ रामलीला होती है, बड़े गायन शैली के साथ। तो यहाँ जो रामलीला की तालीम है वो कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है, जो कि आजकल भी चल रही है। तो अगर मौका मिलता है तो आज रामलीला की तालीम देखेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ से देखिए, लेक का नज़ारा बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है, लेकिन ये जो टावर है ये बीच में बड़ा गंदा लगता है। तो मैं मार्केट में एंटर कर चुकी हूँ और ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है राम सेवक सभा की, यहाँ पे रामलीला की तालीम होती है ऊपर। तो चलिए यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है तालीम में। ये देखिए, यहाँ से ऊपर जाके और यहाँ पे होती है तालीम। तो चलिए देख के आते हैं तालीम में क्या चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पात्रों की रिहर्सल चल रही है अभी गाने के साथ। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारे मन्नुदा बैठे हैं, अभी इनसे जानेंगे रामलीला के बारे में। देखिए, देखिए ये हमारे मन्नुदा हैं, आप सब लोग जानते हैं इनको, मिथिलेश पांडे जी, जो कि निर्मल पांडे जी के भाई हैं और उनके नाम से अभी एक फिल्म फेस्टिवल भी होने वाला है, तो उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। तो पहले जानते हैं कुमाऊनी रामलीला के बारे में मन्नुदा से। तो मन्नुदा, थोड़ा सा कुमाऊनी रामलीला के बारे में बता दीजिए कि उसका क्या इतिहास रहा है। कुमाऊनी रामलीला का जो एक्चुअली शुरुआत है जी, कुमाऊं में खासतौर से अल्मोड़ा से मानी जाती है जी जी, और अल्मोड़ा में उसके बाद यहाँ पर वीर भट्टी एक जगह हुआ करती थी जहाँ पर इसकी फिर शुरुआत हुई वीर भट्टी में जी जी, और धीरे धीरे फिर ये तलीताल वालों ने शुरू किया इसको, तलीताल राम सेवक सभा। फिर 1928 मेरे ख्याल से, या 1928 मेरे को याद नहीं है, फिर ये श्री राम सेवक सभा मलिताल में की जाने लगी जी।
और ख़ास तौर से रामलीला कुर्माचली रामलीला का ये है कि रामदत्त जोशी जी, पंडित रामदत्त जोशी हुआ करते थे जी जी, उनकी किताब थी रामलीला की। अच्छा, तो उसी को लेकर हम करते थे। और दूसरा पारसी थिएटर श्री राधेश्याम कथावाचक एक थे, तो राधेश्याम कथावाचक ने जो शेर शायरियाँ लिखी थी और जो उनके तर्ज थे जी, तो उस किताब के अंश भी इसमें लिए गए। और इसके अलावा इसके जो गीत है इसमें जो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस की, और जो उसके अलावा गीत हैं जो गाने हैं उनको रागों के आधार पे गाया जाता है। तो बड़ा खास तरीके से उनको गाया जाता है ना। हाँ, और तो कहीं ऐसा रामलीला देखी नहीं हमने कभी। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही मंचन भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं और खुद ही गा भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक ओपेरा, बहुत बड़ा ओपेरा है, है ना। और विश्व का मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा ओपेरा है, जो कि बहुत 3-4 घंटे तक लगातार खेला जाता है और 10 दिनों तक लगातार खेला जाता है। हाँ, तो काफी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बच्चों को तालीम देना शुरू करते हैं करीब 3 महीना पहले से शुरू हो जाती है जी, जी। और खासतौर से जैसे मल्लिताल राम सेवक सभा में प्रभात सा गंगोला जी हैं जी जी, वो बच्चों को बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं जी। और बहुत अच्छी तरीके से उनके पुतले वगैरह भी इस बार बड़े कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ, वो कुछ अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, बाद में किसी दिन देखेंगे। बहुत बड़े मजे में आती हैं, बहुत मजे कलाकार हैं जी। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। चलिए, थैंक यू मनुदा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्मल पांडे जी के नाम का एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता रहा है 2 सालों से, तो इस बार वो फेस्टिवल नैनीताल में होने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, जिसकी तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो उसके बारे में भी जानते हैं मनुदा से कि उसकी क्या खास तैयारियां चल रही हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये देखिए, निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल की ये तैयारियां हो रही हैं, जो कि निर्मल पांडे जी के नाम से होने वाला है, और हम सब शहरवासी जो हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि वो हमारे बड़े ही प्यारे नानुदा थे और हमेशा हमारे बीच में वो रहते ही हैं। तो आइए जानते हैं उनके फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ। तो मनुदा, कितनी तैयारी हो चुकी हैं? हाँ अदिति, आप खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट हो जी, और बहुत सारा काम तुमने हमारे संग किया, और निर्मल भी तुम्हारे परिवार के संग बहुत जुड़ा बहुत रहा शुरू से। वाकई में तो निर्मल का एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो नैनीताल में जितने लोग हैं या अल्मोड़ा में जितने लोग हैं, मैं ऐसे कई परिवार हैं जो कहते हैं कि निर्मल हमारा है। हाँ। तो हमारे से उसका बहुत ज्यादा करीबी वो रहा, उसका नेचर ही ऐसा था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसकी आदत इतनी थी कि डाउन टू अर्थ था हमेशा, और दोस्तों के संग खिलखिलाता रहता था, दोस्तों को सही उसको मजा आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो दोस्ती में ही उसका परिवार था समझो, और दोस्तों को उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हाँ। और निर्मल के जाने के बाद तो खास तौर से जो उसकी यादों को उन्होंने सजोया है अपने बार बार नाटकों के माध्यम से, जो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके बहुत दोस्त, बहुत अजीज दोस्त हैं मुंबई में श्री अनिल दुबे जी जी, जो कि बहुत सारे फिल्मों के डायरेक्टर हैं। हाँ, काफी नाटक उन्होंने डायरेक्ट करे हैं। हाँ, काफी प्लेस डायरेक्ट किए हैं जी, और वो सीरियल्स भी आजकल उनका, हाँ, जो टीवी सीरियल्स काफी उनके आए हैं, चिड़ियाघर। हाँ, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, तो वो निर्मल को बड़ा प्यार करते थे, लेकिन आखिरी वक्त भी जब निर्मल की डेथ हुई थी उस वक्त वो निर्मल के साथ ही थे, तो उनका फोन मेरे पास आया था कि मनु भाई ये बहुत तबीयत खराब है, जरा बात करो। तो वो साथ, उन्होंने साथ को निभाया है जी। बिल्कुल, आज भी इतने 10 साल बीत गए हैं और वो निर्मल को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, वहाँ पर हर साल उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और 2 साल से उन्होंने, बल्कि इस साल 3रा साल है, तो 2 साल से उन्होंने निर्मल के नाम पर एक फेस्टिवल शुरू किया है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो कि उनके जन्मदिन पर किया जाता है, 8, 9, 10 उसकी इस बार नैनीताल में डेट रखी गई है। 8 से वो लोग, बल्कि 5 तारीख को तो नैनीताल आ जाएंगे तैयारी के लिए। तो अभी 2 सालों से तो ऑफलाइन चल रहा था, सॉरी ऑनलाइन चल रहा था कोरोना की वजह से। हाँ, तो इस साल, तो इस साल ये पहला है कि जब ये लाइव हम इसको देखेंगे और ऑफलाइन देखेंगे, और बहुत सारी तैयारी नैनीताल शहर के हमारे साथी रंगकर्मी साथी कर रहे हैं, और बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे शहर में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे शहर के लिए भी बड़े गर्व की बात है, और
थिएटर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, रंगकर्मियों के लिए बहुत, सब बहुत उत्सुक हैं कि हम देखें बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे, मुंबई इस दुनिया के जो लोग हैं, कला कला की दुनिया के लोग हैं, उनसे रूबरू होंगे। तो वो भी एक मन में एक चाहत है सबके, और बहुत अच्छा फेस्टिवल होने वाला है, बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि इसमें चयनित की गई हैं, और मेरे ख्याल से दो चार एक दो दिन में इसका रिजल्ट भी शायद आ ही जाए जी। और बहुत सारे बहुत जानकार लोगों को, जैसे कि इन्होंने अमोल पालेकर जी को, जिन्होंने दायरा बनाई थी जी, उनको उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। हाँ। सोनाली कुलकर्णी जी हैं, उनको इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, बहुत दिग्गज लोगों को। और खास तौर से इस बार के जो मेहमान हैं वो हैं हमारे ये अपने भाभी जी घर पे हैं, कि सीरियल के जो मनमोहन तिवारी बने हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनका नाम है रोहिताश गौड़, हाँ। वो पधार रहे हैं, नई दाल आने वाले, हाँ, वो विशिष्ट अतिथि हैं, और एक अशित चटर्जी हैं, हाँ, जो मुख्य अतिथि हैं, जो इस रंगकर्म की दुनिया का जाना माना नाम है। हाँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे रूबरू होंगे, हाँ। और जो हमारी तैयारियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो अतिथि आ रहे हैं वो एक याद लेके जाएं कि नैनीताल शहर के रंगकर्मियों ने उनका कैसा भव्य स्वागत किया। तो हम बिल्कुल तैयारियों में जुटे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा ये फिल्म फेस्टिवल हम कर सके, बिल्कुल, ताकि लोग याद रखें कि नैनीताल में भी बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल हो सकता है। बिल्कुल, हमारे पास जितने भी सीमित संसाधन हैं जी, हम कोशिश करेंगे कि इसमें बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा कर सके, अच्छा करें। चलिए, थैंक यू मनुदा, थैंक यू। और खासतौर से नैनीताल शहर के, अल्मोड़ा के, हल्द्वानी के, रुद्रपुर के, आसपास के, सितारगंज के आसपास के जितने भी लोग हैं, रंगकर्मी हैं, खास तौर से इस समारोह में जरूर पधारें और वो फिल्मों का आनंद लें और इस समारोह में शिरकत करके उसको सफल बनाएं, हमें सफल, हाँ, सफल बनाएं और हमें भी गौरवान्वित करें जी। थैंक यू मनुदा। तो देखिए, भोले बाबा के कांवड़ यहाँ पहुँचे हैं आज, और बड़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे रेस्ट चल रहा है इनका, और हम आ गए हैं नीचे की तरफ अभी। तो देखिए, यहाँ से मॉल रोड से नज़ारा लेक का, और ये जो एरिया है मॉल रोड का, लोअर मॉल रोड का, ये दरार आ चुकी है, यहाँ पे धंसने वाला हो रहा है बिल्कुल, लेकिन सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, खूबसूरत माल रोड से खूबसूरत नज़ारा नैनीताल का, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में होने वाला है फिल्म फेस्टिवल, निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल, जो कि 10 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उसके बारे में डिटेल्स और लाइव आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसमें कि आप लोगों ने जाना कुमाऊनी रामलीला के बारे में, और ये कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल, बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल एक होने वाला है निर्मल पांडे जी के नाम से। तो जब भी वो फिल्म फेस्टिवल होगा उसके बारे में आपको और डिटेल्स दिखाएंगे, और उसके उसको लाइव भी आपको, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए साथ में और इन्जॉय कीजिए नैनीताल के वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स देखिए, मेरे को मिले हैं बहुत ही पॉपुलर और सबके प्यारे पंकज जी ना। हेलो, नमस्कार नमस्कार, मैं नैनीताल आया, मुझे मौका मिला इनकी तस्वीरों में आने का जी, इनकी वीडियो में आने का। बाकी ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमें मिले हैं। तो पंकज जी ना जी को तो सभी जानते हैं, इनके आवाज के सब दीवाने हैं, इंक्लूडिंग मी। अरे जय गुंजू की, बस गुंजू कृपा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो चलिए, हम इनको फिल्म फेस्टिवल के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आएंगे, और इनको आना पड़ेगा क्योंकि इनके शहर का है और इनको पक्का आना पड़ेगा। हमारी शुरुआत हुई है ना वहाँ पर जी, बिल्कुल, तो आपको आना पड़ेगा उसके लिए। पक्का आएंगे, थैंक यू।